तुम्हें इतना खुश देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि फाइनली अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी हो रही है। आई विश नीसम भी इतना खुश होता। तुम्हें अभी भी कोई डाउट है उस पे? आई डोंट नो, पता नहीं। हम दोनों की शादी हो रही है, सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, डैड बहुत खुश है, लेकिन और मीसम मुझे लगता है कि वो अभी भी वफा से कांटेक्ट में है। कम ऑन शिजा, अब तो तुम्हारी शादी के कार्ड भी छप चुके हैं यार, अब तो बेचारे पे ट्रस्ट कर लो। यही तो कंफ्यूजन है, क्या मीसम वाकई मेरा है? मैं जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। देखो शजा, पहली मोहब्बत को बुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी शादी मीसम से नहीं बल्कि किसी और से होती और तुम्हें इस बात का शादी के बाद पता चलता कि तुम्हारा शौहर तुमसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है, तो क्या तब भी तुम यही करती? तुम ये ना करती कि तुम अपना घर बसाने की कोशिश करती, अपना घर बनाने की कोशिश करती? जब तुम किसी गैर मर्द के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो तो मीसम के लिए क्यों नहीं? और मीसम तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है ना, और उसके दिल से वफा को निकालना तुम्हारा काम है। शिजा, ये बहुत छोटी सी जंग है, इस जंग में बीवी और मोहब्बत में से किसी एक को जीतना है। और याद रखना, मोहब्बत और बीवी की जंग में जीत हमेशा बीवी की होती है। Come in. What is this? ये सब क्या है? मैंने तो नहारी का ऑर्डर दिया था। सर, वो मिस सहर ने आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। You may go now. जी सर। हेलो मिस सहर, प्लीज जरा मेरे रूम में आइएगा। जी मैं आ रही हूँ।